नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरटीए की टीम की ओर से की गई कार्यवाही के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। टैक्स न भरने पर आरटीए की टीम ने कार्यवाही की थी। यात्री चार धाम यात्रा करके लौट रहे थे। इस दौरान यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि पिकअप गाड़ी चार धाम यात्रा से लौट रही थी। जैसे ही गाड़ी अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए की टीम ने उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स और अन्य दस्तावेज मांगे, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41,000 रुपये का चालान भी कर दिया। इसके बाद से यहां हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और चारधाम की यात्रा पर गए हुए थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब वे हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए। इसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाई और उनके चालान कर दिए। लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने ये भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूद अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए हैं। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स समय पर नहीं भरा गया था, जिसके चलते 20,000 रुपये का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। तीनों गाड़ियों के 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान भी किया गया है। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रमान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से चार धाम की यात्रा पर निकले थे। चार धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6:30 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, मैं टैक्स वाले नहीं थे उसने। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो, उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है। हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्हें अंदर करने के बाद में उन्होंने हमें मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41,000 रुपये का हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे जोर जगोड़ के, जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए छीना झपटी में, वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे, और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30-8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, हम भर्ती हैं सब। हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के और हमारी यात्रा भंग कर दी, और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान करा इसे खारिज कराया जाए। कितने हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या 35 से 40 लोग हैं छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है अभी। क्या अभी है? हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है, और इसमें तीनों जो चलान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई है वो विल इंक्वायरी। सर इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी है। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी हम इंक्वायर। चलान कर दिया गया सर, गाड़ी बंद कर दी गई। यस, क्या कहना? चलान ड्यूफिली किया गया, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफिली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 7:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला, और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियां इंपाउंड दी गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।